Vaguru Sadhyo, Ik Oankar Satnam Karta Purakh Nirbhau Nirvair Akal Murat Ajuni सहमं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान जो गुरु सवारियों, सिख मिशन जी कॉलेज वालों चल रही रोजाना गुरमत क्लास विच आप सारे जी आया। अकाल पुरख जी की अपार बख्शिश कृपा द्वारा असी सिख रहत मर्यादा की लड़ी बार विचार कर रहे हैं। कल असी अनंत संस्कार के जो दूसरा संस्कार सी उसकी समाप्ति की है। सख्शी रैणी का तीजा ते आखिरी संस्कार है मृतक संस्कार। अज असी मृतक संसार संस्कार का जिक्र करांगे। संसार विच जिहड़ा भी प्राणी आया उसने संसार तो एक ना एक दिन चले जाना है। दूजे शब्दां च जन्म तो पहला ही इंसान के जान का समा परमेश्वर ने नियत किया होया कितना है, यह नियत करने वाली शक्ति परमात्मा ही जानता है। इंसान मनुख अंदाजा नहीं ला सकता, बस इन्ना क अंदाजा है जिहड़ा साह चल रहा है भी पूरा होना या नहीं होना। इस तो अलावा इस बारे होर कोई अंदाजा नहीं है। तो वो समा वो घड़ी निश्चित है। मरण लिखाए मंडल में आए जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए मलक जे कुनी सुनी दा मूंह दिखाले आए जिंदर माणी कढ़ीए हड्डा को कड़काए। वो जिंद कढ़ी जाएगा, वो परमेश्वर जिंदर जिन्हें दिती है जीव लै जाएगा। तो जो दे नावे सोधन जाए करना कूच रहन थिरना ही संग चलत है हम भी चलना दूर गवन सिर ऊपर मरना क्या तो सोया जाग या ना। असली गल ये समझने वाली है। तो जिथे जन्म है उथे मौत अवश्य होगी। जन्म स्नेह है मौत का। जिस घर में जन्म नहीं उस घर में मौत भी नहीं होंगी, क्योंकि जो जन्म ही नहीं तो मौत कितों होगी। जो जन्मे सो जन्म हुआ, जन्मंग तो मरनंग, जो जन्म है तो मौत है। तो यह स्पष्ट है कि जन्म के संस्कार जिथे असी पढ़े हैं उत्थे फिर जो संसार तो प्राणी ने जाना है उसके संस्कार को मृतक संस्कार किया गया है। सिख ने की करना, की रवायत हैं सिखी दियाँ, सिखा दे अंदर की निजम निश्चित हैं, ये सिख रहत मर्यादा विच दर्ज किए गए हैं। तो अज असी इस मृतक संस्कार को आरंभ कर रहे हैं। प्राणी नू मरन वेले जे मंजे ते हो गए तो हेठा नहीं उतारना। दीवा बट्टी गऊ मनसाउणा जां होर कोई मनमत संस्कार नहीं करना। केवल गुरबाणी का पाठ करना जां वाहिगुरु करना। सब तो पहला है प्राणी मरण वेले जे मंजे ते हो गए तो हेठा नहीं उतारना। पुरातन प्रचलित विचारा अनुसार मंजे उत्ते हुई मौत बारे हिंदुइज्म विच इस्लाम विच वक्रे वक्रे विचार हैं, वक्रे मत हैं। हिंदुइज्म विच एक आम गल है उनां दी समझ मुताबक धरती अते आकाश दे विच भूतां प्रेतां दा वासा है। उनां दी समझ मुताबक इस लई जेकर मंजे उत्ते कोई प्राणी चलाना कर जाए जां प्राण त्याग दे
तो वो भूत बन जाएगा, भूत प्रेत बनेगा, मतलब उन्हां दा ये विश्वास है। जे उन्हूं परलोक की चाहे चंगी अवस्था प्राप्त करवानी है तो उन्हूं फटाफट मंजे तो ला दिता जाए। वो किन्नी वारी मंजे तो लथदे हन, कई तो किन्नी वारी बेचारे मंजे ते आ जांदे हन, मरदे ही नहीं। इदां वी कई दे घरां च नौबत आ जांदी है, जो जे मरन लगा मंजी तो ला दिओ। वो बेचारे कई बार मंजी तो लथे तो कई बार मंजी दोबारा आ गए, पर जदों कर करते दा घर दा सुनेहा होना उदों ही असली बारी मंजे तो लथिया जाता है। तो प्राणी मंजे ते जे प्राण त्यागदा है, ये भी ख्याल किया जाता कि मंजा फिर संबंधियों के वर्तन योग नहीं रहना। गुरु पातशाह जी ने भरमी लोगों को गल समझाई, गल उन्होंने समझाई, उन्होंने पल्ले पाई कि जिहा भरम केवल प्राण करन नाल प्राणी नूं कोई लाभ नहीं पहुंचता, ना ही उसका लाभ होगा, ना ही इसका लाभ मिलेगा। तो इस वास्ते प्राणी नूं मंजे ते दूसरा वहम यह किया जाता है कि जे प्राणी मंजे के उत्ते चलाड़ा कर जाए तो फिर पिंड भरौने पैंदे हन, वो गया जाके जां पिहूवे जाके पिंड भरौने पैंदे हन, जिहड़े बड़े कॉस्टली है। फिर दान देना पैंदा, सोना दान दिओ, फलानी चीज दिओ। इस वास्ते अपने पैसे पूसे बचाउण दे लई उहनूं फटाफट मंजे तो ला दिता जांदा कि किते जांदा जांदा इह समान ना नाल लै के तुर जाए ते सानूं खर्चा ना करना पै जाए। इस वास्ते उहनूं मंजे तो जिहड़ा है उह लाया जांदा। गुरमत ने इहनूं मनमत करार दित्ता है, प्राणी जिथे है जिस तरह है जिहदी जिस तरह दी मौत हो गई है। सिखिज़म विच तां चंगा भला प्राणी दे थले भी किते एक्सीडेंट भी मर जाए तो व्याह के मंजे ते ही पाउंदे ने, उहनूं थले थले भुंजे नहीं पाउंदे। इत्थे इह भरम वहम नूं तोड़न दे लई गुरु पातशाह जी ने सिखां नूं इक न्यारापन बख्शिश किया और उहनां नालों वक्री ते नवेकली मर्यादा वक्री रीति जिहड़ी सी उह सिखां नूं दित्ती। तो इस करके लिखा गया प्राणी को मरन वेले जे मंजे ते होवे ता हेठां नहीं उतारना। दीवा वट्टी अगे आ दीवा वट्टी। इसे तरह एक भरम होर भी फैलाया जाता है कि मरन उपरंत प्राणी नू जिहड़े रस्ते चो लंघना पैंदा उत्थे बड़ा हनेरा है, रस्ता दिखाउण दे लई प्राणी नू बत्ती चाहीदी, लाइट चाहीदी है, रोशनी चाहीदी है। प्राणी नूं स्वास त्यागण तो बाद कई दिन लगातार दीवा बालना जरूरी है, नहीं तो प्रेत आत्मा भाव मरे हुए प्राणी की आत्मा, प्रेत आत्मा कहिंदे ने, मरे हुए प्राणी की आत्मा हनेरे विच दुख हटांदी रहेगी, दुखां ची फसी रहेगी। मौत तो मरण तो बाद ये पैदा कीती जिहड़ी मनौत है इतों भी गुरु पातशाह जी ने सानूं मुक्त किया। यह कर्म कांड सी जिहड़ा मरे हुए प्राणी के हाथ से दीवा बालिया जाता सी। मनौत यह सी कि जागपुरी जान लग्या हनेरे च राह विखाएगा, तो गुरु साहब जी ने बख्शिश की कि अधियारे मार्ग विच यह दीवा कोई काम नहीं आउंदा। उत्थे तां जिह पेंडे महा अंध गुबारा हरका नाम संघ उजियार, उस पिंड केवल हरी का नाम हरी की बंदगी काम आती। तो इस तरह गुरु पातशाह जी ने यह भी मने इतिहास लिखा जाता है सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जदों गया पहुंचे जिथे ये दीवा बत्ती का सिलसिला चलता सी और पिंड भराए जाते सी, उत्थे सतगुरु महाराज ने एक शब्द उचारण किया। उस शब्द है दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया ते उन चानन उस सुखिया चुका जमस्यो में लोका मत को फकड़ पाए लख बढ़िया कर एक ते एक रति ले पाए एक रति ले पाए। गुरु पातशाह उत्थे कमाल दी उदाहरण दिंदे हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਚਾਰ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਕਾ ਜਮਸੋਂ ਤੇਲ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਮੱਤ ਕੋ ਪੱਕੜ ਪਾਏ, ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਵਹਿ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੜਾਇਆ, ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਏਕ ਰਿਬ ਲਾਗੀ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਜਮ ਜੋਹ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਦੀਵਾ ਬੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਬੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਗਊ ਮਨਸਾਉਣਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਰਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਊ ਮਨਸਾਉਣ ਦੀ। ਭਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਦੋ ਯੋਜਨ 9 ਮੀਲ ਭਾਵ 9 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਪਾਕ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਗਊ ਮਨਸਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਦ ਕਿ ਉਹ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ, ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਭਵਜਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨਸਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਪਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗਊ ਨਦੀ ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਦੀ ਚ ਵੜੇਗੀ, ਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਨਦੀ ਤਾਂ ਵੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਗੀ?
गां तो दुध देने लग पी तो मरिया प्राणी की करेगा उत्थे बैठ के, जिहदे प्रति उत्थे भी फसिया रहेगा उहदे घर ही जिहनूं इह दशा दित्ती है। ये भरम पैदा करने का मकसद मरन वाले दे संबंधियों के अंदर रिश्तेदारों के विच एक डर पैदा करने का सी। डर पैदा करके उहदे हथों अपनी श्रद्धा सहित अपना दुध देने वाले गऊ का रस्सा ब्राह्मण के किले ते बन आना, ब्राह्मण के बच्चों दुध दियां मौजां लगियां रहन, दुध दियां बहारां चलदियां रहन, इस तरह दान करने वाले आसानमंद भी रहणगे। ते जे विपर बैतर नदी नूं पार करन लई प्राणी दे उत्ते उपकार ना करन तां कहिंदे उहदा विच हाल की होएगा। एक भरम है, भुलेखा है। बड़ी स्पष्ट जी गल है, ये केवल इत्थे बस नहीं है, सगों इस तो अगे जाके गऊ गोबर दे गऊ मूत्र नूं भी पवित्र करके मनिया जांदा है। सूतक दे वहम कढ़न लई, सूतक हुंदा मरन वेले दा वहम, सूतक ते पातक, सूतक जिहड़ा जन्म वेले दा वहम, पातक जिहड़ा है मरन वेले दा वहम। ते जदों जन्म वेले दे वहम दे वेले भी सूतक दा वहम कढ़न दे लई भी गऊ दे गोबर दा पोचा लाया जांदा, गां दे गोहे दा जिहड़ा है लेप कीता जांदा। इस तरह गऊ दे गोबर ते गऊ मूत्र नूं ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪੰਚ ਗਵੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ, ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਦਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮ ਵਿਪਰ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਮ ਸਤਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਤਰਣੀ ਜਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਰਾਉਣੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਸਮੇਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਗਊ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਫੋਕੇ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਜੋ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜੁੜ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਠ ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ,
सुख नानक शरणी पाया भी उहदे मालक दी शरणी विच पैर नाल ही सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। इस तरह कोई होर मनमत संस्कार नहीं करना, कोई मनमत वाला कर्म नहीं करना। देखने च भी आता है कि जिवें समय से कई लोग ही, कई तो मतलब आम रिश्तेदार संबंधी सज्जण मित्र जान पछाण वाले अगे अगे हो के अपनी मत अनुसार मनमता करने लई परिवार को प्रेरते रहिंदे हन। और जिसनों सुन के जिन्हां दे प्राणी चढ़ाई किया होया हुंदा है वह अपने प्यारे विछड़े प्राणी की बेहतरी लई वह करना झट मन भी लेंदे है भी शायद अंदर हो जाएगा भला ही हो जाएगा उन्होंने होकर कर्मा के नाल ही। पर गुरु के गुरमत ने ज गुरु क्या ने विछड़े दे विछोड़े दी इस घड़ी दे विच फोकट कर्मा तो सावधान रहने की लोड़ है जिहड़े गुरु दे लड़ लगे हुए हैं। पहली तो गल जिहड़े सिख घुआउण वाले हैं उन्होंने ये मर्यादा सारिया पता होनी चाहिए। दूजी गल दुखी तिक्की नूं कदे भी तुहाडे संस्कारां विच दखल देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साडी प्राणी साडे घर चुं गया जी साडा सी असी जो मर्जी करिए किसी का की हक है कि उठ के अपन संस्कार से अपने रीतां रिवाज इत्थे आ के प्रचलित कर दे। इस वास्ते गुरु साहिब जी का हुक्म है कि विछड़ रहे प्राणी के विछोड़े के कष्ट नूं तेरा किया मीठा लागे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्म प्रवान करने विच ही अपने भले लई गुरबाणी का पाठ करन जो सानू संसार की नाशवानता का बार बार चेते करवाउंदा है कोई करना चाहिए है। इत्थे लिखा हुआ केवल वाह गुरबाणी का पाठ करना जा वाहिगुरु का जाप करना। इत्थे सानू गल स्पष्ट हदायत की गई है इहो ही वाहिगुरु की याद ही जो आदि सच जुगाद सच है यह भी सच है नानक खुशी भी सच है और याद भी सदी भी सच है। इस वास्ते इन्हां पखंडा वहमा भरमा तो बाहर निकल के मरण वेले दे संस्कार वेले यह ब्राह्मणी कर्म कांडा तो सानू बचन की लोड़ है। अगला प्राणी दे देह त्यागन ते धा नहीं मारनी पिटना जा स्यापा नहीं करना। मन नूं वाहिगुरु की रजा विच लिआउण लई गुरबाणी का पाठ जां वाहिगुरु का जाप करी जाना चंगा है। देखो प्यारा संबंधी दे विछड़ जाण ते आम बंदे का मन उदास हो जाता है जिहड़े गुरु नाल नहीं जुड़े हुए जां जो गुरबाणी का जिन्हां नूं समझ नहीं है सुभाविक है कि प्राणी घर चो गया है। पर गुरु साहब जी ने गुरसिखा अजिहे अपने बचन करके जा सीधा दे के सावधान किया है कि जिहा चीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाहे कले आवे नानका सदे उठी जाए। असीं सुनिया तो बहुत बारी है हर तकरीबन हर ग्रंथी सिंह हर अरदासिया प्राणी दे चढ़ाई करन दे नूं चार पांच वारी तो घट्टो घट रिपीट करते ही ने। पर प्रैक्टिकल तौर पर यह विश्वास से भरोसा भी फिर करना पेगा। मृतक प्राणी के वियोग दे विच विछोड़े दे विच एक कुदरती निज़म जिहड़ा सी कुदरती एक रौना पिटर का काम जिहड़ा सी मन्निया जांदा सी। फिर इत्थे पंजाब दे विच तां एक होर रस्म भी सी प्रचलित सी कि प्राणी दे नित निमित पिटना जां स्यापा करना। पहले असी धा मारनी हुंदा है भी जदों किसी का कोई रिश्तेदार संबंधी चलाना करता तो उन्हों कोठे ते खड़े कर दिता जाता सी। कोठे ते खड़े जा करके उच्ची दाणी बाहवा लार के अपने पट्टा ते मारदा हाए मैं मर गया जां जो भी लफ सी वरते जाते उन्होंने वरते जाते सी उन्हों बार बार ताकि लोगों को पता लग जाए भी इहदे घर च कोई मौत हो गई है उन्हों कहते धा मारनी जिहड़ी उत्ते चढ़ के कोठे दे आके जाके धा मारनी। अगला सी पिटना जां स्यापा नहीं करना। देखो गुरमत ने
एक होर भी मनमत ने एक होर गल भी फैलाई हुई है भी जिहड़ी आत्मा घर अजे उस चो निकली है उत्थे तुरी फिरदी है उहनू दड़ाउण दे लई जोर जोर की पिट के स्यापा करना बड़ा जरूरी है। और कई तो हुण तां लाणियां असीं पिछे बाणी की विचार की लाणियां की जो दूसरी क्लास साडी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸਣਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲਾਹਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਕਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਣੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਆਵਨ ਜਾਨਿਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਡਿੱਠੇ ਮਰਿਓਦ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਧਰਾਉਣ ਫਿਰ ਤੇ ਨਦੀਰੇ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਤ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਮਗੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਬਨੌਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਮਕੋ ਕੌਣ ਰੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਮਕੋ ਕੌਣ ਰੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਮ ਕੀ ਲਾਈ ਸਤ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ
क्यों कहते ने साध माणी च अगे लिखा है जे एक मित्र हो चंगा मित्र तो ताइए जो अपने मित्र की सुभा बनाई चंकी लगती मित पैजे मित विकसे मित की पैज भाग तुम विचार देखो पुत भाईओ सतगुरु पहनावे कहते मेरे पुत्रो मेरे सिखो जे किसी मित्र सरूपा पैदा हो मान मिलता हो वड्याई मिलती हो ते उदा मित्र देख के तो खुश होगा जो सचमुच मित्र है तो विकसे दर्द खुश होगा मित पैजे जो पहनाया जाता है वड्याई मिल रही है मित विकसे तो खुश होंगे है कदों जे जे मित की पैज भाव जो उस मित्र की हुंडी वड्याई चंगी लगनी कहते ने देखो मेरे पुत्रो मेरे भरावो गुरसिखो प्यारे हो सतगुरु विचार करके देख लो मैं गुरु के घर चलिया अपने घर चलिया उस घर चलिया जिथे पहले मेरे सतगुरु गए ने मैं उस घर चलिया मैं जीवन की खट्टी च हार जो खट के चलिया हार के नहीं चलिया मैनू जो उत्थे वड्याई मिली है मिलनी है तो तुहानू रोना पिटना चाहिए कि खुशी मनानी चाहिए है तो गुरु पातशाह जी ने उहदे विच वी सानू इह गल समझाई सद बाणी दे विच तो भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान प्रचारक रोवन पिट मोया नू वैन अलाह धूम मचाई साध संगत सच सोहिला गुरमुख साध संगत लिव लाई कहते ने लोकी रोन पिटने ने वैन पाते ने लाणिया पाते ने धूम मचाते ने रौला पाते ने धूमां मचाइया रख दया ने पर गुरु के सिख जड़े हैं वो सत संगत बैठ के उदी सोहिले के भाव वड्याई के गीत गाते हैं गुरमुख साध संगत लिव लाई सत संगत बैठ के अपना ध्यान उस परमेश्वर नाल जोड़ते हैं रोंद नहीं वो ढाहान ज स्यापे नहीं करते ना ही गुरसिख ने कोई ढा ज स्यापे करनी फलोसफी कि अपनाई है इतने ये गल भी सू समझ लेनी चाहिए है प्रेम समारोह के गल लिखी हुई है कि जिस दिन प्राणी चलाना करे उस दिन मंजा उपर सौना अच्छा प्रसाद खाना ढा नहीं मारनी किसी ने सोग नहीं करना हुक्म सत सत करके मनना ये गल प्रेम स्मारक दे विच भी लिखी गई है नादर दे हमले वेले लाहौर दे सूबेदार ने सिखां बारे जो जो दस्या उस विच एक तत्थ बड़ा ही दिलचस्प ढंग नाल दस्ता कि लोग बड़े अजीब ने इन्हां च जे कोई नेड़ला मर जांदा है तां कदी रोंदे पिटदे नहीं बल्कि रब दा भाणा मन के सबर करते हैं ते नाल ही कड़ा बना के बढ़ते हैं कमाल दी बोली बोल लिखे हैं कहते ने पढ़त आनंद मनिंदन काहे मरे तो हरुआ करके खाहे भी आनंद साहब पढ़ते ने उहदा भाणा मनन दे लई परमेश्वर का भाणा मनन दे लई मरे तू हलुआ करके खाए मरे का हलुआ बना के कड़ा कड़ा प्रसाद बढ़ते हैं रोवन पिटन कभी ना जानत रोवन पिटन कभी ना जानत एक अकाल का भाणा मानत वे तो एक अकाल का भाणा मानते ने और ये कड़ा प्रसाद बना के छकते हैं तो इत्थे स्पष्ट गल हो गई प्राणी दे देह त्यागन ते धा नहीं मारनी पिटन जा स्यापा नहीं करना मन नूं वाहिगुरु की रजा च लियाउण लई गुरबाणी का पाठ जां वाहिगुरु का जाप करी जाना ही चंगा है ये बड़ी स्पष्ट जी गल है गुरबाणी साढ़े जीवन की थम्मी है ज्यों मंदर को थमे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन मन नूं धीर धार ढेंदे मन नूं धारन देने गुरबाणी है और ये गुरबाणी का पाठ ही सी कि बच्चों के टोटे करदे सामने अखां दे विच बच्चा उपर नूं सुट्टिया जांदा नेजे चेदा परो दिता जाता फिर उच्चो कढ के सामने टोटे किए जाते मां के गल च हार बना के पाया जाता फिर भी जदों सारा कुछ हुंदा तो शाम नूं
सोधर का पाठ करके वो बीबियां यही गल कह चार भर दिन सुख ना बतीत होया चार भर रहा था अपने भाने अंदर रखा। यह है असली सिखी जिहड़ी गुरु पातशाह जी ने सिखा ने कमा के दिखाई, भावे सिख से जां सिखणियां सी उन्होंने कमा के दिखाई। तो सिखी केवल गल्लां नाल नहीं कमाई जाती, सिखी की परख सिख के घर विच संस्कारां तों हुंदी है। जन्म संस्कार वेले, आनंद संस्कार वेले, मृतक संस्कार वेले। बड़ी हैरानी हुंदी है सारी जिंदगी गुरमत दा ढंडोरा देण वाले गल्लां करन वाले जिन्हों के घर जो अपने घर च चीजा आदियां ने विह का समागम आया बड़े जोर शोर न सगन मना सगन की रस्म करनी है और सारा कुछ करे जो दूजे लोग करते हैं टिक्के भी लाउन झोल अगे बिठा के दक्षणा भी लैन सारा कुछ इकट्ठा कर बड़ा दुखदाई है बड़ा दुख हों उस वे जेडे अपने आप न सिखी का ढंडोरा देने वाले हैं जिन्होंने असं रोल मॉडल कहते हैं। गुरमत ने कित लिखा ही नहीं उत्थे लिखा जे कोई आप पढ़िया है विकड़माई दी रस्म जरूरी नहीं जे करनी ही होवे तो लड़की वाले गुरु साहब की हजूरी च कुछ मिठा ते ककार बच्चे दे पल्ले पा दे कि इत्थों तक सीमित है असीं इत्थों तक सीमित होए हैं नहीं वह संस्कार भी साडे नहीं जन्म के संस्कार जो असीं करते हैं उदों भी असीं वो कुछ करते हैं जो सानूं नहीं करना चाहिए घरां दे बाहर पत्ते लिया के बन देने कोई अंब के पत्ते कभी पता नहीं कदे कदे पत्ते ने जिहड़े लिया के उत्थे टंगे होंदे घर चों सूतक का वहम कढ़न दे लई। तो गुरु साहब की फिलोसफी कित्थे चली गई ते जदों घर च पुराणी चलाणा कर जाए तो जिहड़ा कोई दसे चुप करे उहे काम कर दिओ उहदे मड़ियां भी बाल दिओ उहदे हत्थां दे दीवे भी बाल दिओ मंजे दे थले भी ला दिओ सिखी कित्थे है सिखी कमाउणी पैंदी है सिखी कागजां विच नहीं हुंदी और सिखी दी परख सिख दे घरां विच होंदी होवे इहनां संस्कारां तों हुंदी है। असीं संस्कार किस ढंग नाल करदे हां कि गुरमत दे नाल समझौता कर रहे हैं कि गुरु दी मत ते उल्ट काम कर रहे हैं जे कर रहे हैं फिर असीं सिखी पक्ष कमजोर हाँ। उस वेले सानूं सोचण दी लोड़ है कि मन नूं वाहिगुरु दी रज़ा च लिआउण लई गुरबाणी लई लिया गुरबाणी का पाठ जो वाहगुरु का जाप करना चंगी चीज ये गल सोचने की लोड़ है। वाहगुरु का नाम ही है जो सानू जोड़ता है। अगली बात प्राणी भावे छोटी तो छोटी उम्र का हो सो भी संस्कार ना चाहिए जिथे संस्कार का प्रबंध ना हो सके उत्थे जल प्रवाह या होर तरीका वरतों को भी शंका नहीं करती। देखो सिख रहत मर्यादा ने कितनियां स्पष्ट हदायतां सानी कीतियां हुई गुरबाणी यह गल कहती है बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूं जम ले जई है रे बच्चे बाल बुढ़े जवान पता नहीं किन कौन आके मौत ले लै जाना कोई ठेका तो नहीं ये गल समझ के आए थे गल समझ आई सी बाबे बुढ़े को जिन्हें गुरु नानक अगे सवाल किया आके सच्चे पातशाह मौत तो डर बड़ा लगता है। गुरु नानक पातशाह ने पूछा जे तो तेरी उम्र कुछ भी नहीं छोटा को बच्चा है मौत तो डर क्यों लगता है उत्थे समझाया सी बच्चे मौत तो डर उन्होंने लगता है जिन्हें जिंदगी का आनंद नहीं माणिया जिन्हें जिंदगी का आनंद मान लिया उन्होंने मौत तो डर नहीं लगता वो मौत को आनंद समझता है मौत विचों भी सुख पालता है मेरे मन आनंद की गल है। उतो बाबा बुढ़े को ऐसी लगन लगी छे पातशाहियों के दर्शन बाबा बुढ़ा जी ने शरीरक तौर पर किए छे पातशाह इन्ने कमाल की गल इन्नी महान बख्शिश उस गुरसिख से हुई दरबार साहब के पहले ग्रंथी वजों की सेवा करने का मान प्राप्त होया कहने जिन समझ आ गई जीवन की तो इस वास्ते जिन समझ आ गई उन्होंने पता हर वेले याद रहता है कि प्राणी भावे छोटी उम्र का हो
ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾੜੋ ਰੋੜੋ ਸੁੱਟੋ ਦੱਬੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਤ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਤ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵਰਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸੂਰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੁਛਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੁਛਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ
कि मनुख दा लोक ते परलोक चंगे जीवन दा आधार वाहिगुरु दी कृपा नाल केवल उसे ही मनुख वालों जीवन च कीते गए चंगे कर्म ही हन। फिर वह नुकता अपने आप साडे सामने आ जाता है कि चलाने तो बाद संबंधियों वालों निभाए गए मृतक संस्कार नाल प्राणी नूं कोई हानि जां लाभ नहीं हुंदा। यह गल समझ लैनी चाहिए, सानू समझ आ जानी चाहिए है। इसलिए ना ही रात हनेरे च कीते संस्कार नाल एक प्रेत जूनी च पैंदा है ते ना ही के दिन दे चरण दे नाल अमरपुरी भी चला जाता। हिंदू शास्त्रां मुताबक रात वेले असुरी शक्तियां प्रबल हुंदियां हन अते जेकर प्राणी दा संस्कार रात नूं कीता जाए तां उहदी आत्मा नूं मुक्ति दे मार्ग ते जाण विच रुकावट खड़ी हो जाती है। उहनां दे इह मन्निया जांदा है ऐसे व्यक्ति अगले जन्म दे विच कष्ट भोगदे हन। हुण इह तां कोई ठेका वी उहने मनुखा जन्म लेना किहड़े जन्म तों जांदा वा, इह किसे नूं पता है? गुरमत ने इस भरम रूपी वहिव नूं पूरी तरह रद्द कर दिता। सतगुरु तां इत्थे कहिंदे आ इह तां दिन रात दी खेड है, दिवस रात दो दाई दा खेले सगल जगत, इह तां दिन रात दी खेडां हो रहियां। मर्यादा अनुसार संस्कार करन समय दिन जां रात दा भरम जिहड़ा है नहीं करना चाहिए। चाहीदा है कि मृतक प्राणी दा संस्कार जल्दी कर दिता जाए। उहदा कारण एक तां परिवार दे संबंधियां नूं राहत मिल जाती है, दूजा सेहत निजम भी यह मंग करते हैं भी इस प्राणी दे मृतक प्राणी नूं जे बहुत समा लंबा रखने दे नाल कई बारी मृतक प्राणी की देह भी खराब हो जाती है। पर अजकल भावें वो आ गए ने फ्रीजर जे जिन्हां च पा के रखा जाता, पर इहदे च वहम नहीं है भी जे एक दिन लग भी गया जां कुछ समा पै भी जावे तां इहदे विच कोई भरम वहम पखंड नहीं करना। विदेशों में आम तौर पर 8-8 दिन 7-7 दिन भी ये समा लग जाता है क्योंकि फ्यूनरल जिहड़े हन अवेलेबल नहीं होंदे जब तक उदों तक उन्होंने उत्थे ही रखा जाता, उन्हां दी मृतक दे रखी जाती। इस इहदे लई भरम वहम कोई नहीं, इहदे च सिर्फ इन्ना कि सानू गल नूं समझ लैनी चाहीदी है कि संस्कार करन वेले दिन जां रात दा भरम नहीं करना। जदों भी ठीक लगे वह संस्कार जिहड़ा है वह कर देना चाहीदा है, ना कि असीं इह सोचिए भी नहीं हुण आम तौर पर की हुंदा, क्योंकि मैं पहलां बेनती की है भी हिंदू धर्म शास्त्रां दे विच रात वेले असुरी शक्तियां की गल करते हैं, वह सूरज शुभन के नाल ही शमशान भूमि का दरवाजा बंद कर देंगे। हुण इत्थे असुरी शक्तियां का बोलबाला हो गया, इस करके इत्थे संस्कार जिहड़ा उस वेले नहीं करदे। पर गुरमत विच तां इह गल परवाह नहीं है, इत्थे दिन रात जां दिन दा कोई फर्क ही नहीं। जे प्राणी जन्म रात वेले लै सकदा तो फिर मर क्यों नहीं सकता, संस्कार क्यों नहीं हो सकता? जे रात नूं जन्म तो भी रोक देना चाहिए, जे सुरी शक्तियां रात नूं तुरियां फिरदियां ने तो फिर रात नूं जन्म क्यों होण दिंदे ने? जन्म लैण ते कोई पाबंदी नहीं, तो मरण ते क्यों पाबंदी है? संस्कार ते क्यों पाबंदी है? बड़ी हैरानी दी गल है भी जिन्हां विच लॉजिक नहीं है वह काम किए जाते हैं, जिन्हां दा लॉजिक कोई नहीं। इस वास्ते गुरमत ने यह बड़ी स्पष्ट गल दसी है भी दिन रात का भरम जिहड़ा है वह संस्कार वेले नहीं करना। जदों भी परिवार के संबंधियों नूं वह समां सूट करता होवे उस समय अंदर प्राणी का संस्कार जिहड़ा है वह कर दिता जाए, नहीं तो फिर उही भरम वहम विच पै गए असी जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियूं मैं सारा, जब ये गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत, उहनां दे विच असी फस जावांगे। तो न्यारापन अपने नूं कायम रखने दे लई सानू दूजिआं दे मतां नालों हट के चलन की लोड़ है, जिस वास्ते ये मद जिहड़ी है सिख रहिण मरण दे विच भी पाई गई है। अगली मद जिहड़ी बड़ी लंबेरी है, अज असीं कंप्लीट नहीं कर सकांगे।
तो इत्थे ही अज दी विचार दी असीं समाप्ति कर रहे हां। इहदे विच कोई सवाल जिहड़े हन उह कृपा करके लै लए जाण, क्योंकि अगली मध लंबी है और समा भी ज्यादा लगेगा, वधेरे लगेगा। इस वास्ते मैं आपको क्षमा चाह रहा हाँ, अज इत्थे ही समाप्ति कर रहे हाँ जी। फुल चुक दी खिमा प्यार सरबत दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।